69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, मतलब उनका आरक्षण ना दे करके, वह उसी लिए हम लोग आए हैं और उसका मांग पूरी हुई है, हम लोगों की मांगे मान ली गई हैं, इसलिए हम धरना खत्म किया गया है, मानी गई। तो कल के लिए मीटिंग के लिए बोला, कल मीटिंग होगी लेकिन कहा है क्लियर कर देंगे। अब सरकार ने कहा है कि कल क्लियर कर देंगे, जब कर दे तभी कंफर्म है, क्योंकि ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बीजेपी को भरोसा नहीं रह गया क्या? भरोसा पहले शुरुआत में जब इन्हें वोट दी तब भरोसा किया, लेकिन जब से ये सत्ता में आए उसके बाद ये भरोसा अपना तोड़ते रहे, क्योंकि इसके बराबर ये लोग झूठ बोलते रहे, कहीं काला धन को लेकर के, या तो कहीं 5 लाख रुपया खाता में देंगे, मतलब नाना प्रकार के वादे करते रहे, किसानों को भरोसा देते रहे, और सारा का सारा इनका झूठ। दलितों के मुद्दे पर बहन जी भी तो नहीं बात करती हैं, कौन नेता रह गया फिर? अरे दलितों के बहन जी नहीं बात करती हैं, लेकिन बहन जी चुनाव के समय तो बात करेंगी, लेकिन अब तो हमारे भाई साहब जो हैं, भैया जी चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो बात करते हैं हम लोगों की। कहाँ से आए, किस लिए आए थे आज? तो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया तो फिर जा रहे हैं घर। धरना प्रदर्शन के लिए आए थे भाई, लोग के भलाई के लिए, अपने आरक्षण के लिए। हाँ न मांगे तो न मिले हक। तो मतलब पहली बार आए हैं कि कभी आ चुके हैं? नहीं, मतलब हम मीटिंग अटेंड करते थे, लेकिन इतनी दूर का मीटिंग अटेंड नहीं किए थे। आज पहला बार लखनऊ के अंदर पैर रखे हैं। हाँ इस गार्डन में खुशी भी है? खुशी तो इतनी है कि ये हमारे बाप और आजा परवाजा का बनवाया हुआ प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का ही नाम है तो क्या हुआ, लेकिन अम्बेडकर तो हमारे ही माता पिता थे ना। अब मना तो खत्म कर दिया डर के। वो ठीक है, वो हम जो मेरे से सीनियर हैं वो समझेंगे, हम लोग तो उनके पीछे हैं ना। अब योगी जी मना कर दिए कि मोदी जी मना कर दिए, इससे अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को लेकर धरना प्रदर्शन था। बात ठीक है अध्यापक, लेकिन अपना ही आदमी है ना। अच्छा। अगर कोई भी आदमी है अगर भारत में वो भूखा मर जाए वो ठीक है, कि रोजी रोटी मिले उसको वो ठीक है? आप भी तो कुछ बोल सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भूखा मरे वो ठीक है, कि रोजी रोटी उसको हमारी सरकार दे भारत की, उसको अपने सही मार्ग पे चले, जिन्हें खाने का एक रास्ता तौर तरीका दे। जय भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, जिंदाबाद। आज क्या हुआ है, मतलब धरना प्रदर्शन खत्म कर? आज धरना प्रदर्शन के लिए एक मीटिंग रखी गई है कल के लिए, उसका जो भी एस्टीमेट आता है, अगर सरकार उसका एस्टीमेट सही देती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे अगला प्रोटेस्ट जो होगा वो इससे बड़ा आंदोलन होगा फिर। अच्छा। अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है, इससे बड़ा आंदोलन कैसे होगा? पूरा भारत बंद किया जाएगा, जैसा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश होगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। आप क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। आर्मी के संरक्षक और जो है संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद को धरना स्थगित ही करना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब कोई उच्च अधिकारी मिलने नहीं आया। हालांकि जो अधिकारियों से बात हुई उसको ध्यान में रखते हुए कल एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें इन लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, वहाँ पर क्या वार्तालाप होगा ये कल तय होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन को इतने आक्रोशित करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल निशान जरूर छोड़ रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए जा इंडिया टॉप।